सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एस्पेक्ट विजन। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम लोग पहुंचाते हैं आपको। तो इसके लिए आपका भी थोड़ा सा बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का जो नोटिस आया है, जो कि 2661 है, जो कि डेट है 17/9/21 का, ठीक है, आज के दिन ये नोटिस आया है। इस नोटिस के आते सब बच्चों के मन में खलबली सी मच गई है। क्यों खलबली मच गई? इसका एक रीज़न है कि यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, कि सेमेस्टर 4 एग्जाम 2021 इवन ओल्ड न्यू सेमेस्टर। तो आप लोग के सबके मन में एक ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग तो प्रमोट हो गए थे, तो ये किस चीज़ का शेड्यूल है? ठीक है, प्रमोट तो हो गए थे हम लोग, सभी लोग जान रहे हैं, तो ये शेड्यूल किस चीज़ का है? क्या हम लोग का एग्जाम होगा? जी नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले ये आप क्लियर हो जाएगी कि आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब चीज़ समझ में आ जाएगा आप लोग को कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ किसका किसका बात किया गया है, सेमेस्टर 3rd, ठीक है, ओल्ड और न्यू दोनों के बारे में, सेमेस्टर 4, ओल्ड और न्यू दोनों के बारे में, सेमेस्टर 5th, और जो बच्चे सेमेस्टर 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सब के बारे में बात हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, सबसे पहले आप लोग नीचे देखिए, आप लोग क्लियर हो जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा। इसका मतलब क्या हुआ? सैद्धांतिक मतलब जो आपका थ्योरी पेपर जो होता है, और प्रायोगिक मतलब हुआ प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब ये किसका किसका क्या क्या एग्जाम होने वाला है, ये सबसे पहले मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बैकलॉग की बात करेंगे, जिनको 3rd और 5th में बैक लगा था। ठीक है, 3rd और 5th में बैक लगा था, उनका एग्जाम का ये शेड्यूल है, पहले आप लोग ये कंफर्म हो जाइए। दूसरा, जो जो बच्चे प्रमोट हुए थे, फर्स्ट सेमेस्टर के हों, फोर्थ सेमेस्टर के हों, 3rd सेमेस्टर के हों या 5th सेमेस्टर के, उनका एग्जाम नहीं है। तो ये उनका एग्जाम जब नहीं है, तो ये क्या शेड्यूल दिया गया है? तो एक बात और आप लोग ध्यान में रखिए कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम, जिस पे काफी दिनों से संशय बना हुआ था कि क्या प्रैक्टिकल एग्जाम जो आप लोग के कॉलेज में होता है वो होगा, तो इस शेड्यूल से ये क्लियर हो गया है आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए, अब जो शेड्यूल जारी किया है SBT बोर्ड में, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेमेस्टर 3rd न्यू सिलेबस, ठीक है, सेमेस्टर 3rd न्यू सिलेबस, सेमेस्टर 5th न्यू सिलेबस, इन सब के बारे में दिया गया है। तो सेमेस्टर 3 न्यू सिलेबस क्या है? उन बच्चों को जिनको बैकलॉग लगा था न्यू सिलेबस में, उनका एग्जाम का ये, उनका एग्जाम 22 अक्टूबर से होने जा रहा है। ठीक है, आप लोग को पहले भी दिया गया था नोटिस में कि बाकी का परीक्षा अक्टूबर महीने में आयोजन होगा। तो उनका एग्जाम, जिनको 3rd में बैक लगा था, उनका एग्जाम 22 अक्टूबर से, क्लियर हो गया। दूसरा बात, जिनको 5th में बैक था, उनका 23 तारीख को एग्जाम है, 23 तारीख से स्टार्ट है। आप लोग देख सकते हैं शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। सेमेस्टर 4 ओल्ड सिलेबस, यानी 2016 से पहले के जो बच्चे हैं, उनको किसी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 4th में बैक या कैरी लग गया है, उनके लिए है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि सेमेस्टर 4 का न्यू सिलेबस क्यों नहीं दिया गया है? तो न्यू सिलेबस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, उसमें 4th सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था, तो 4th सेमेस्टर में किसको बैक तो होगा नहीं, कैरी तो होगा नहीं, इसीलिए 4th का ओल्ड का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसे साफ है कि आप लोग का प्रमोशन वाला ये नहीं है, प्रमोट आप लोग हो चुके हैं। आप लोग अभी भी डाउट में क्यों है कि प्रमोट नहीं हुए हैं? आप लोग को सबको पता है प्रमोशन का नोटिस SBT जारी कर चुकी है, आप लोग प्रमोट हो चुके हैं। तो आप लोग इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं घबराए कि प्रमोशन का नोटिस जारी करने के बाद SBT एग्जाम लेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो जो बच्चे प्रमोट हुए हैं, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम है कब कब है, ये मैं बता देता हूँ। तो 3rd सेमेस्टर, जिनको कैरी बैकलॉग था, जिनका एक पेपर में कैरी था या दो पेपर में कैरी था या तीन से ज़्यादा में तो बैक हो जाता है, तो उन लोग का एग्ज़ाम 22 से है। ठीक है, जिन बच्चों को बैकलॉग था, 3rd में हो या 5th में हो, उनका एग्ज़ाम है। ठीक है, और एक PTD का बात हुआ था, तो पार्ट टाइम डिप्लोमा, आप लोग जानते हैं किसी का पार्ट टाइम डिप्लोमा चलता है 4 ईयर का। ठीक है, तो उनका भी एग्ज़ाम है, उनका भी एग्ज़ाम, उनको भी जिन जिन से पेपर में कैरी था, बैक था, वो आप लोग सेमेस्टर 7 देखे होंगे, तो 7 तो पॉलिटेक्निक में होता नहीं है जनरली, तो वो PTD का बात है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब पॉइंट। और कौन सा डाउट है आप लोग का, मैं ये भी सारा डाउट आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए, नोटिस आने के साथ आप लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं, आप लोग एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ये स्ट्रेस में नहीं आइए आप लोग। ठीक है, प्रमोशन आप लोग का हो चुका है, बिल्कुल ये संशय में नहीं रहिए कि आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ है प्रैक्टिकल। ठीक है, आप समझिए बात को, प्रैक्टिकल में किसका किसका प्रैक्टिकल होगा? जो सेमेस्टर 3 के न्यू सिलेबस वाले, जो बैक वाले एग्जाम देंगे, उनका होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बात, यहाँ पे सेमेस्टर 4 का किया गया है, सेमेस्टर 4 का न्यू सिलेबस। ठीक है, सेमेस्टर 4 का न्यू सिलेबस का यहाँ पे एग्जाम का दिख गया होगा आपको, तो ये प्रैक्टिकल का है। ठीक है, ये किस चीज़ का? प्रैक्टिकल का। सब्जेक्ट कोड आपका दिया गया, आप लोग एडमिट कार्ड भी आपका जारी होगा प्रैक्टिकल का, उसके हिसाब से होगा। एक और अपडेट मैं करना चाहूँगा कि 6th सेमेस्टर वालों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
सिक्स सेमेस्टर और जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी है उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो गया है। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट कोड दिया गया है, जिनका जिनका थर्ड का ओल्ड सिलेबस था, जिनका जिनका न्यू सिलेबस है, सारा का सब्जेक्ट कोड दिया गया है। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसे मैंने सारे अपने ग्रुप में सेंड कर दिया है पीडीएफ, तो बस ये सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, इसलिए इतना लंबा नोटिस हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सारा बात आप लोग का क्लियर हो गया है। मैं फिर से एक बार इन शॉर्ट आप लोग को रिव्यू कर देता हूँ जो जो बात मैंने बताई अभी यहाँ पे, और जो जो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन था। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन उठ रहा था बच्चों के मन में वो ये था सॉरी कि प्रमोट के बाद, प्रमोट होने के बाद भी क्या एसपीटी परीक्षा लेगी, ये परीक्षा का नोटिस था, तो ये नहीं था, ठीक है, इस बात पे आप लोग क्लियर हो गए। दूसरा बात, क्या जो ये सिर्फ सिलेबस है, इसमें जो थर्ड का बात बोला गया है, थर्ड एली के बच्चे लगातार मुझे फ़ोन कर रहे थे कि सर थर्ड एली का भी एग्जाम होगा, इसमें तो लिखा हुआ है थर्ड न्यू सिलेबस, तो चलिए फोर्थ का तो चलिए न्यू सिलेबस का नहीं जिक्र है, बट थर्ड का तो न्यू सिलेबस का जिक्र है, तो बिल्कुल नहीं। जिन जिन बच्चों को प्रमोशन हो चुका है उनको नहीं एग्जाम होगा, जिनका जिनका थर्ड में या फिफ्थ में कैरी है, आप लोग बात को समझिए, कैरी है या बैकलॉग है, उनका एग्जाम होगा, समझ में आ रहा है आप लोग को। तीसरा, सबके मन में एक ही डाउट था कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अब यहाँ एक और डाउट आती है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, इसमें तो फर्स्ट सेमेस्टर का जिक्र नहीं है, तो क्या फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा या होगा? तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी नियम के अनुसार प्रैक्टिकल एग्जाम होना चाहिए और उसका भी शेड्यूल आप लोग के सामने जारी हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हो सकता है नहीं भी ले एसबीटी बोर्ड, बट होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए और बहुत जल्दी आप लोग के सामने उसका भी शेड्यूल आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है आप लोग को। एक और टॉपिक है यहाँ पे कि जिनका जिनका 21 तारीख से 21 सितंबर से एग्जाम है, ठीक है, यानी किसका किसका एग्जाम है, जिसको फर्स्ट में कैरी बैकलॉग है या फिर जिनको सिक्स्थ का फाइनल ईयर वालों का एग्जाम है, आप लोग को सभी को पता होगा, तो उन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो गया। आप लोग एसबीटी के साइट पर जा सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गया आप लोग को? और तो कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से डाउट आप लोग के मन में नहीं रहना चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई देने का। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये लेटर आने के बाद काफ़ी खलबली मच गई थी, 2661 के लेटर आने के बाद कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या है ये लेटर में, काफ़ी बच्चे तो डर गए, इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए, डर गए कि यहाँ पे सिर्फ ये फोर्थ देख लिए, फोर्थ न्यू सिलेबस, तो सोचने लगे कि नहीं हमारा एग्जाम होगा, प्रमोशन का नोटिस। अरे भाई प्रमोशन का आप लोग समझिए बात को, प्रमोशन का नोटिस आ चुका है ऑलरेडी, एसबीटी बोर्ड ने प्रमोशन का नोटिस जारी कर दिया है, तो अब किस बेसिस पे एग्जाम लेगी, अब क्या एग्जाम ले सकती है, नहीं ले सकती, ये बात आप लोग क्लियरली दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है ये बात कि? तो चलिए सारा चीज़ बात तो आई होप क्लियर हो गया आपका और कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और दूसरी बात, आप लोगों का जो नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है एग्जाम, ठीक है, वो आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगा, ये श्योर है। कब होगा? दिसंबर से जनवरी के बीच में, तो उसका प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, अच्छे से एकदम पढ़े, उसके लिए आप लोग एग्जाम का तैयारी करें, उसका एग्जाम आप लोग का लिया जाएगा टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग के सामने टाइम बहुत कम है, अप्रॉक्स तीन महीने हैं आपके पास, तीन महीने बहुत कम टाइम होता है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें इस चीज़ का। तो आई होप अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, जितना भी डाउट था आपका वो इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। जो भी टॉपिक था, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड या प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, आपका सारा क्वेरी सॉल्व हो गया है। कोई भी क्वेरी आई डोंट थिंक कि बचा होगा, फिर भी अगर कोई क्वेरी आपका बचा है तो कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें सारा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जल्दी से जुड़ जाए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट।